तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और मैं उठ गया हूँ, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, मंदिर भी हो आया हूँ। अब करते हैं नाश्ता, देखते हैं घर में सब लोग क्या कर रहे हैं। सौम्या क्या कर रही है? एक्चुअली सौम्या का आज एग्ज़ाम नहीं है, आज उसकी छुट्टी है। आलिया का एग्ज़ाम है, आलिया गई है स्कूल। अब देखते हैं मम्मी पापा जानवी ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इन लोगों को ये क्या कर रहे हैं। एक्चुअली पापा भी आज अपनी शॉप पर नहीं गए हैं, वो उनके बस स्टैंड पे आज थोड़ा सा होली के चक्कर में कुछ साफ़ सफाई का प्रोग्राम रखा गया है, तो इसलिए उनकी दुकान बंद है। बट पापा गए हैं शेविंग बनवाने के लिए, तो पापा अभी घर पे नहीं है। बाकी देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं घर में। सोमे, आप क्या कर रहे हो? ये कमरे की सफाई तू क्यों कर रही है? मन हो रहा था तो कर ली। मन हो रहा था आपका? चलो चादर बिछा रहे हो। हाँ। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको पिचकारी वगैरह भी लेना है ना? मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर की पढ़ी है, उससे ही काम चला लो। मेरी बात समझो आप बेटा, ठीक है? बोलो जल्दी, बोलो फ्रेंड्स के सामने, बोलो क्या है। ठीक है, बोलो 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 जल्दी बोलो। नहीं ठीक है, कर लो यार, पढ़ी है ना। वैसे भी आप हाथ से खेलते हो, बलून से खेलते हो, ठीक है? हाँ या ना बोलो जल्दी। फ्रेंड्स ये मुझे पिचकारी बोल रही है, पिचकारी दिलाओ। बट एक्चुअली लास्ट ईयर की इसके बाद बहुत बढ़िया अच्छी पिचकारी पड़ी हुई है, मगर ये बोल रही है मुझे नहीं दिलाओ नहीं दिलाओ। तो अब आप कमेंट करके बताना मैं इसको नहीं दिलाऊं या वही पुरानी वाली से काम चल जाएगा। बट फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी अच्छी पिचकारी रखी हुई है लास्ट ईयर की। बट इसका मन है कि मुझे नई पिचकारी चाहिए। ये देखिए, ये लास्ट ईयर की इतनी शानदार पिचकारी रखी हुई है, ये देखिए। और ये आलिया की भी पड़ रखी हुई है, ये देखिए, फिर भी बोल रही है कि मुझे नई पिचकारी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इसको इसी से काम चला लो, मगर वो सुन नहीं रही है। और फ्रेंड्स देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं किचन में। आप क्या कर रहे हो? मैं नाश्ते कर रही हूँ खाने। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता भी रेडी हो गया है। आज बने नाश्ते में क्या बनाइए? ये रोटी को मीड के बनाया है। ये रोटी को थोड़ा सा कुछ करके बनाया जाता है, सिंधी में इसको बोला जाता है सेल फुलके हैं ये। रोटी को मीड के बनाते हैं ये, और इसमें आलू वगैरह थोड़ा सा कुछ डाला जाता है, मगर बहुत अच्छा टेस्टी होता है ये। सौम्या बेटा बहुत अच्छी पिचकारी है आपकी, अगर अच्छी नहीं होती तो मैं आपको दिला देता, ठीक है? लास्ट ईयर तक संभाल के रखूंगी, बस दिला दो। अच्छा चलो आप बाजार आओगे ना तो देख लेंगे, अगर अगर अच्छी अगर लगी अच्छी लगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं। एक तो फिर इसी से काम चला लेना, ठीक है? ओके, तो आप आओगे ना मम्मी के साथ टिफिन देने के लिए शॉप पे, तो फिर चलेंगे अपन बाजार, ठीक है? तो फ्रेंड्स करते हैं नाश्ता और फिर चलते हैं शॉप पे। एक्चुअली रोहित नहीं आ रहा है ना, तो फिर जानवी को मेरा टिफ़िन लेके आना पड़ता है शॉप पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं दोपहर में ना टिफ़िन वगैरह मेरा कैसा आता है और मैं कैसे अपना इस शॉप पे लंच करता हूँ, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात, ये सौम्या आएगी तो मैं इसको एक बार मार्केट ले चलूंगा दिखाने पिचकारी, अगर अच्छी लगी तो इसको दिलाएंगे, नहीं तो पिछले साल की ही पिचकारी से इसको काम चलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स मैं दुकान पहुंच गया हूं, अब दुकान खोलते हैं। एक्चुअली आपको आप सबको पता ही है कि रोहित की बहन की शादी है तो वो आ नहीं रहा है, तो दुकान मुझे ही खोलना पड़ेगी। मैं खोलता हूं, साफ़ सफाई करता हूं और आपको भी दिखाता हूं दुकान की रूटीन कि मैं किस तरीके से दुकान खोलता हूं और दुकान की साफ़ सफाई होती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाता हूं।
सो फ्रेंड्स, साफ सफाई हो गई है पूरी और मैंने दुकान पूरी अच्छी तरीके से खोल ली है। अब करते हैं कस्टमर्स का इंतज़ार। एक्चुअली अभी होली का समय चल रहा है ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। बट मार्केट डाउन हो या चले, ड्यूटी तो पूरी कर रही है। तो फिर करते हैं अपनी ड्यूटी और इंतज़ार करते हैं कस्टमर्स का। फ्रेंड्स, सौम्या टिफ़िन लेके आ गई है। अब लंच टाइम हो गया है, तो अब जानवी भी आई है साथ में फ्रेंड्स। और ये अब लंच टाइम हो गया है, अब लंच करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज टिफ़िन में क्या आया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं कर रहा हूँ लंच, आपको भी दिखाता हूँ लंच में घर से क्या आया है। देखिए इधर, ये आई है दाल, रोटी, भिंडी की सब्जी और सलाद। फ्रेंड्स, अब आपका भी अगर मन हो करने का तो आप लोग भी मेरे साथ आ सकते हैं लंच करने के लिए। तो मैं लंच करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये आलिया और सौम्या दोनों आ गए हैं घर से पिचकारी लेने के लिए। अब इनको पिचकारी दिलाने ले जा रहा हूँ मैं। तो चलो चलते हैं मार्केट और देखते हैं इन लोगों के लिए पिचकारी कुछ समझ में आती है कि नहीं आती। फ्रेंड्स से हेलो कर दो आलिया। हेलो। अभी सौमी तुम भी करो। हाँ चलो, दोनों चलो नीचे उतरो और चलते हैं पिचकारी देखने के लिए। चलो फ्रेंड्स, ये लोग बच्चे पिचकारियाँ ले आए हैं। देखिए, सौम्या ये वाली लेके आई है पिचकारी और आलिया लेके आई है ये वाली पिचकारी। और क्या लेके आए आलिया, और भी दिखाओ फ्रेंड्स को क्या लेके आए हो। ये लेके आई है आलिया बलून, ये बलून का पैकेट लेके आई है। और ये वाले छोटे वाले बलून्स भी लेके आई है। और दिखाओ, और ये वाले बलून्स भी लाई है। और ये गुलाल भी लेके आए हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स, इन लोगों की होली की तैयारी हो गई है। अब आप भी होली की तैयारियां करिए और रंगिए होली में। तो चलो फ्रेंड्स, ये क्या डांस हो रहा है क्या? अरे वाह, आलिया डांस कर रही है। तो फ्रेंड्स, इनकी तो होली की ख़रीदारी हो गई है, अब आप कब कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैंने आलिया और सौम्या को पिचकारी दिला दी है होली के लिए। और दूसरी बात, मैं अकेला हूँ शॉप पे, तो पूरी दुकान का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा आज वीडियो में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अब लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।